हलचल टीवी न्यूज। सिरसा स्वास्थ्य विभाग की ओर से झोला छाप डॉक्टरों पर कार्यवाही शुरू कर दी है। क्षेत्र में दिन प्रतिदिन झोला छाप डॉक्टरों के कारण बढ़ रही बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी राजेश चौधरी, ड्रग इंस्पेक्टर संदीप गहलान, सीनियर चिकित्सा अधिकारी नरेश सहरान के नेतृत्व में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। सीनियर चिकित्सा अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि टीम की ओर से पहले संत नगर में छापेमारी कर दो क्लिनिक सील किए गए व उनके सामान जब्त किए गए हैं। सिविल सर्जन को सीएम इंडो पे रानिया क्षेत्र में विभिन्न झोला छाप डॉक्टरों बारे शिकायत प्राप्त हुई थी। सिविल सर्जन सिरसा ने मेरी, मैं डॉक्टर राजेश चौधरी, संदीप गलान डीसीओ, डॉक्टर नरेश सारन एसएमओ रानिया की टीम गठित की थी कल, कि जो रानिया क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर हैं उनके विरुद्ध उनका इंस्पेक्शन करना, अगर कोई अवैध पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना। तो इस संबंध में पहले सुबह जगमलेरा गाँव में एक डॉक्टर हरबेज सिंह है, उनके क्लिनिक का निरीक्षण किया गया। वो बिना डिग्री के मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था। उसके बाद रानिया क्षेत्र में नगोड़ा बाजार में फूलचंद डॉक्टर है, एक डॉक्टर पृथ्वी सिंह है, उन दोनों के क्लिनिक को निरीक्षण किया गया। सामान जब्त करके तीनों डॉक्टरों का रानिया थाना में FIR दर्ज कराई गई। इसके अलावा इस कार्रवाई के दौरान लगभग 7-8 RMP क्लिनिक थे जो अपना बंद करके भाग गए। उनके नाम, फ़ोन नंबर, उनके प्रीमिसेस का फोटो खींच के शिकायत दर्ज कराई है SHO रानिया को कि भविष्य में कभी भी अगर प्रैक्टिस करते पाए जाते हैं तो उनकी सूचना सिविल सर्जन को दें ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। सिरसा से हलचल टीवी के लिए सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।